हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक्टिव फिल्म्स में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमने बग्गी के जो व्हील्स बनाए थे उन्हें हम किस तरीके से बग्गी में अटैच करेंगे और किस तरीके से हम उन्हें रोटेट कराने वाले हैं, क्योंकि जो इसके साथ व्हील्स आए थे वो रोटेट सही से नहीं हो रहे थे। शायद वो आइक्लोन का प्रॉप्स नहीं होगा और किसी का प्रॉप्स होगा, इसीलिए वो इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था। तो हमने अलग से उसके व्हील्स बनाए थे, तो हम व्हील्स को आज इस वीडियो में अटैच करेंगे और उसके साथ रोटेट और मूव कराएंगे। तो सबसे पहले हमने जो व्हील्स बनाए थे हम उन व्हील्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे वो व्हील्स कस्टम में सेव है, प्रॉप्स में कस्टम में सेव करा था हमने, और यहाँ से हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। या आप इस पर क्लिक कर सकते हो या इसे आप सिंपली ड्रैग कर सकते हो उठा के। तो हमने इसके दो व्हील्स ले लिए, एक और ले लेते हैं। तो अब हम इसे यहाँ से एक बार डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ये ले लिया आउट। तो अब हम यहाँ से इसे दो कर लेते हैं, या आप इसे क्लिक करोगे और कंट्रोल और डब्ल्यू प्रेस करके कंट्रोल करोगे तो आपका ये दो व्हील्स निकल जाएंगे ऐसे। अब हमें क्या करना है कि जो एक बीच में इसके पाइप होता है, पहले हम बग्गी में आप इम्पोर्ट करके दिखा देते हैं। आप कंट्रोल आई शॉर्ट की प्रेस कर सकते हो या आप यहाँ से इधर जाके फाइल में जाके इम्पोर्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं हमारी ये बग्गी। तो अभी हम जब इसे देखते हैं, थोड़ा रोटेट करते हैं पहले, अब देखिए इसके अब देखिए इसके जो व्हील्स के अंदर एक लकड़ी लगी हुई है ये, तो अब हम ये और इसमें अटैच करने वाले हैं। तो पहले हम इसे यहाँ पर कर लेते हैं इसके बराबर, अभी ये दूर है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसे हम पास लेके आएंगे। ठीक है, अब हमें बीच के लिए एक लकड़ी चाहिए तो हम इसके लिए पाइप का यूज करेंगे। तो टेम्पलेट में जाएंगे क्रॉप्स में और 3D ब्लॉक्स पर क्लिक करके आपको एक पाइप लेना है। तो हम यहाँ से पाइप में जाएंगे और पाइप ये वाला पाइप ले लेते हैं, पाइप 01, और इसके बीच में हम इसे रख देते हैं। अब इसे हम रोटेट कर देते हैं, यहाँ पर आकर 90 डिग्री एंटर कर देंगे और सी प्रेस करके इसे हम इसके सेंटर तक ले जाते हैं। तो सेंटर के लिए आप इसे ये एलिंग वाले पर क्लिक करेंगे और इसके जो बीच वाला हिस्सा है इस पर क्लिक करेंगे, वाई सेंटर तीनों डिफॉल्ट क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब हम पहले इसे इसके अकॉर्डिंग छोटा कर लेते हैं, और छोटा करने के लिए आप आर प्रेस करोगे या ऊपर से आप और क्लिक करके पास से देख लेते हैं और छोटा करना है अभी हमें। ये ठीक है, अब इसे हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो इसे हम मूव करा देंगे थोड़ा। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहो तो हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पाइप बन गया। अब इसमें हम कलर करना है तो इससे पाइप से सिलेक्ट करेंगे और जो पाइप का टेक्सचर है वह टेक्सचर हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। पाइप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये इसका कलर हो गया सेम्पाइया, जो बोलोगे वो हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे कि जो व्हील्स है इसके व्हील्स है हम उन्हें यहाँ से डिलीट कर देंगे। सब उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि जो हमने ये जो व्हील्स का अंदर का क्या बोलेंगे इसे पाइप बनाया है, पाइप को हम व्हील्स के साथ अटैच कर देते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के लिए आपको दोनों व्हील्स को सिलेक्ट करना है। पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको अटैच कर देते हैं इसके साथ।
इसी को भी सिलेक्ट करेंगे पहिया को, और इसको भी हम इसके साथ अटैच कर देते हैं पाइप के साथ। अब ये हमारे दोनों इस पाइप के साथ अटैच हो गए। अब क्या करेंगे हम कि जो इसका है, जो बग्गी का है, वो जो पहिए आए हैं हम उनको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो इसके लिए आपको सीन्स में जाना है। सीन में जाने के बाद आपको कार्ट पर क्लिक करना है, कार्ट में से इसके पाइप को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अभी ये पहिया यहाँ पर लगा था, तो हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर कर देते हैं। तो इसको लिए आपको इसको क्लिक करना है, डब्लू प्रेस करना है, बीच वाले को सिलेक्ट करना है पाइप को, और यहाँ से सॉरी ये हमने पहले दो निकाल दिए थे, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसे मूव कराते हैं, देख लेते हैं चारों तरफ से सही से सेट है कि नहीं, कहीं अटैच भी हो रहा है कि नहीं। अभी हमारा क्या लग रहा है, ये पाइप अलग है, तो हम इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं लाइक ये बेटर और बेस्ट लग रहा है। चारों तरफ से देख लेंगे ये हमारा अटैच हो रहा है कि नहीं। अभी क्या करना है हमें, हमने जो या अभी इसको हमने इसके साथ अटैच नहीं किया है, तो अब हम इसे उसको सिलेक्ट करके और इसके साथ हम इसे अटैच कर देंगे। तो देन सिलेक्ट और अटैच, तो अटैच के लिए आप फिर से अटैच वाले पे जाएंगे और अटैच बग्गी को सिलेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा ये पूरा बग्गी के साथ अटैच हो गया। आप देख रहे हैं कार्ट के साथ ये बन के आ गया। तो सब ये आपको क्लियर दिखा रहा है कि इसके साथ ये अटैच हो गया। अब क्या करना है, अब हमें अपने व्हील्स को रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए आप एक व्हील्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे रोटेट कराएंगे। तो अभी देखिए हम इसको रोटेट करा रहे हैं, ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो इसको भी ये भी रोटेट होगा, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है कि अब इसको हम जितना भी हमें इसे मूव कराना है, तो यह मान लीजिए हमें इसको 30 फ्रेम तक इसे रोटेट कराना है। अब इसमें हम मोशन डाल रहे हैं, तो हम इसको 50 फ्रेम तक क्लिक कर रहे हैं और इसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट कर रहे हैं ऐसे, ये हमने रोटेट कर दिया। अब इसी को हम इस वाले को भी सिलेक्ट करते हैं और इसको भी हम उतना ही रोटेट कर देते हैं जितना हमने उसको करा था, करीबन 240। ये शायद मैंने उल्टा रोटेट कर दिया है, तो ये शायद उल्टा घूमे। अब हम इसको घुमा के देखते हैं, देखिए दोनों पहिए बड़े स्मूथली घूम रहे हैं। एक बार सही से मैं आपको सामने से दिखा दूं, उल्टे मैंने उल्टा इसमें मोशन डाल दिया। तो अब एक बार हम फिर से मोशन को डिलीट करके अपना अच्छे से पूरा मोशन डालेंगे, फिर हम इसे चलाएंगे भी थोड़ा सा। पहले हम पाइप को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी ये गलत सिलेक्ट कर दिया। इसमें दो है हमारे पाइप, सॉरी दो है हमारे पहिए। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्टर पर जाते हैं, पहिया सेलेक्ट करा, पहला पहिया ये है, दूसरा पहिया ये है। तो जो हमने मोशन डाला था पहले का ये है, तो हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी इस पर कोई मोशन नहीं है। अब इस वाले का और मोशन डिलीट कर देते हैं ये, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट मोशन और डिलीट। अब हम इस पर मोशन अप्लाई करेंगे, तो यहीं तक हम इस पर ही 50 फ्रेम तक सिलेक्ट रहने देते हैं, और इसको हम एक बार रोटेट करेंगे। अब तो अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो हम एक बार इसको कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पर हम -200 लिख देंगे, -200 एंटर कर देंगे। इसी तरीके से हम इस पर -200,
ठीक है, अब क्या करना है हमें, फिर से हमें 100 फ्रेम पहले जाना है, ये 200 है, यहाँ पे हम कर देंगे -400, -400, एंटर। इसके बाद इसको वाले को सिलेक्ट करेंगे, कर देंगे यहाँ पे -400। ठीक है, अब हमारा ये फ्रेम यहाँ तक हमने इसका मोशन बना दिया, यहाँ तक। अब हम इसको आप रिव्यू करके देखते हैं। पहले हमने मोशन भी उल्टा डाला था, तो वो भी हमने चेंज कर दिया। अब हम शुरू से एक बार इसे देखिए, रिव्यू करते हैं। ये देखिए, अब एकदम बढ़िया से चल रहा है। तो अभी ये ऐसे लग रहा है, रुक के चल रहा है, रुक के चल रहा है, ऐसे लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कर्व एडिटर पर जाएंगे, कर्व प्रेजेंस पर, और आपको यहाँ पर सिंपली ये सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। इसी तरह से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम वही कर देंगे। ये आपको चारों के साथ करना है, क्योंकि तो चारों को हमें वही स्मूथली चलाना है। आप देखिए, दोनों ही बढ़िया से चल रहे हैं, बिना रुकावट के एकदम सिंपल सिंपल चाल में चल रहा है। इसे हमें मूव कराना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे बग्गी को, और जहाँ तक हमें इसे मूव कराना है तो हम वहाँ तक इसे मूव करा दें, यहाँ तक। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना खुद का मोशन बना सकते हैं, खुद के अगर व्हील्स कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने व्हील्स भी बनाए, और इस तरीके से आप अपना एक पूरा बग्गी और विद मोशन बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।